वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल वसीम अकेडमी फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि डब्ल्यू बी टेट प्राइमरी टेट में पूछा गया था तो फ्रेंड्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वामेंटल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर कनेक्टेड विथ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑप्शन नंबर वन लंग्स एंड ट्रेकिया ऑप्शन नंबर बी हार्ट एंड आर्टरी ऑप्शन नंबर सी स्टोमक इंटेस्टाइन ऑप्शन नंबर डी किडनी यूरिनरी ब्लैडर तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्टोमक एंड इंटेस्टाइन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी वन which of the following disease can be cured by using the extract of vasaka leaf कौन सी बीमारी को दूर करने के लिए वसाका का पत्ती यूज होता है तो फ्रेंड्स आइए इसका ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर वन विंटर और सॉरी थर्टी फर्स्ट ऑप्शन नंबर वन कोलेरा ऑप्शन नंबर बी टेटनस ऑप्शन नंबर सी कोल्ड कफ एंड ऑप्शन डी मलेरिया तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलेरिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी टू विच फॉलोइंग दीजन कैन बी आईडेंटिफाई बाई द सॉन्ग दारून अंग अग्नि बाने रे ये बंगाली सॉन्ग है ये सॉन्ग किस सीजन्स को डिनोट करता है ये रविन्द्र टैगोर का एक लिखा हुआ सॉन्ग है ये कौन से सीजन्स को डिनोट करता है तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन विंटर ऑप्शन नंबर बी ऑटम ऑप्शन नंबर सी समर एंड ऑप्शन नंबर डी स्प्रिंग तो फ्रेंड्स इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 व्हिच विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ दार्जिलिंग दार्जिलिंग के फॉरेस्ट में कौन से एनिमल फाउंड मिलता है इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन रेड पांडा ऑप्शन नंबर बी वाइल्ड एस ऑप्शन नंबर सी जिब्रा एंड ऑप्शन नंबर डी ऑलिव रिडली टर्टल तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन रेड पांडा सिर्फ एक ही बचा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 हंड्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फॉर्म इफ वाटर वेपर एक्मुलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द डस्ट पार्टिकल वाटर वेपर के एकुमलेट मिलने से सरफेस पे और डस्ट पार्टिकल के मिलने से क्या चीज बनता है फ्रेंड्स इसको ऑप्शन ऑप्शन नंबर वन स्टार ऑप्शन नंबर बी प्लानट ऑप्शन नंबर सी गैलेक्सी एंड ऑप्शन नंबर डी क्लाउड तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क्लाउड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ग्रो इन हाई अल्टीट्यूड माउंटेन एरिया कौन सा पेड़ माउंटेन या हाई अल्टीट्यूड एरिया में उगता है ग्रो होता है तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन पालस बनियान एंड ऑप्शन नंबर बी मैंगो जामुन एंड गरन ऑप्शन नंबर सी ओक ब्रिज एंड रोहोडेंडोन रोहोडेंड्रोन एंड ऑप्शन नंबर डी गरान बन बनियान एंड हीटल तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी से कौन से एनिमल है जो कि बारिश होने का प्रशंसन गोई को जान जाता है कि अब बारिश होने वाली है तो फ्रेंड्स आइए इसका ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर वन डॉग ऑप्शन नंबर बी एंट ऑप्शन नंबर सी काउ एंड ऑप्शन नंबर डी

फ्रेंड्स आइए इसका ऑप्शन देखते ऑप्शन नंबर वन मैंगो ऑप्शन नंबर बी सिंकोना ऑप्शन नंबर सी अर्जुना एंड ऑप्शन नंबर डी टोबेको तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्जुना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज इन स्कैन कैंसर इसमें से कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा जिम्मेदार होता है स्कैन कैंसर के होने में तो फ्रेंड्स इसको ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर वन मेलानिन ऑप्शन नंबर बी विटामिन ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायोलोट रे एंड ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यू वी रे अल्ट्रावायोलट रे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी नाइन ऑफ इन्वाटल स्टडीज विच ऑफ़ द फॉलोइंग फूड्स वुड यू सजेस्ट टू ईट और ड्रिंक एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी टू योर इस्टूडेंट एक उस्ताद होने के नाते नातेमेंटल स्टडीज़ के उस्ताद होने के नाते आप अपने बच्चों को कौन से खाने और पीने पे जोड़ देंगे जो कि ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्राप्त करता है एनर्जी मुहैया कराता है तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर वन वेजिटेबल कैरट टी वाटर ऑप्शन नंबर बी मिल्क पोटैटो इग बटर राइस ऑप्शन नंबर सी टी जामुन वेजिटेबल्स वाटर ऑप्शन नंबर डी बीट टर्मरिक टी एंड वाटर तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिल्क पोटैटो इग बटर एंड राइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड थर्टी नाइन सॉरी वन हंड्रेड फोर्टी यस, क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर्टी विच ऑफ दर क्रिटिकली इन डेंजर्ड कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला है क्रिटिकली इन डेंजर्ड तो फ्रेंड इसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर वन काउ गोड ऑप्शन नंबर बी गोट शिप ऑप्शन नंबर सी पिग हॉर्स एंड ऑप्शन नंबर डी टाइगर एंड वन हॉर्न राइनोसोरस तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टाइगर एंड वन हॉर्न राइनोसोरस शेर और एक सिंग वाला गेंदा और एक सिंग वाला गेंदा मिलता है आपको वन हॉर्न राइनोसोरस इन काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर्टी वन राबारी इज फेमस फॉर आराबारी इस चीज के लिए फेमस है आइए उसको ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर वन कंजर्वेशन ऑफ मैं कंजर्वेशन ऑफ ज्वाइंट सॉरी ज्वाइंट कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न राइनोसोरस एंड कंजर्वेशन ऑफ टाइगर तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी सिस्टम ऑफ फॉरेस्ट आराबारी कौन सा डिजीज एयर पोल्यूशन की वजह से होता है तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर वन मलेरिया कोलेरा टाइफ ऑप्शन नंबर बी टेटनसटिस डायबिटीज ऑप्शन नंबर सी डायबिटीज हेपाटाइटिस एंड लेप्रोसी एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रॉन्चिटिस इम्फेसीमिया एंड अस्थमा तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रॉन्चिटिस इम्फेसीमा एंड अस्थमा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन कैटरपिलर इज कैटरपिलर क्या है ऑप्शन नंबर वन अडल्ट इंसेक्ट ऑप्शन नंबर बी लार लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट ऑप्शन नंबर सी एन एडल्ट मैमल एंड ऑप्शन नंबर डी एन एडल्ट बर्ड तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कॉज सॉइल इरोजन इसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट्स है गंदगी जो कि सॉइल को मिट्टी को काटता है मिट्टी को <coughs> कटाई में एक अहम किरदार है ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन काउडंग ऑप्शन नंबर बी ऑफ़ फिश ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन नंबर डी ओल्ड पेपर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर्टी फाइव एज ए टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज विच ऑफ वुड यू सजेस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा कोलरा एक इन्वयमेंटल स्टडीज़ के टीचर होने के नाते आप कोलेरा को ट्रीटमेंट के लिए इलाज इलाज के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन जीपीएस ऑप्शन नंबर बी बीआरएस ऑप्शन नंबर सी एनआरएस एंड ऑप्शन नंबर डी ओ आर एस तो फ्रेंड्स कोलेरा की बीमारी को दूर करने के लिए हम लोग मैक्सिमम तौर पर यूज़ करते हैं ओ आर एस

तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लड नेक्स्ट 147 हाउ कैन ए मेटल बी आइडेंटिफाइड किसी भी मेटल को आइडेंटिफाई करने का क्या प्रोसेस है तो फ्रेंड इसका ऑप्शन देखते ऑप्शन नंबर वन रिपीटेड लाउड रिंगिंग साउंड इज नॉट प्रोड्यूस इफ द बीटेन बाय समथिंग किसी भी चीज को उस मेटल पे मारने से बहुत जोर से आवाज़ नहीं निकलेगा एयरिंग नहीं होगा तो ये एक प्रोसेस है फाइंड करने का ऑप्शन नंबर बी डज नॉट जिसलिन यानी कोई घनघनाहट नहीं होगी ऑप्शन नंबर सी नॉट हीटेड बाई क्विकली एंड ऑप्शन नंबर सी साउंड इज प्रोड्यूस जिस्लिंस एंड हीटेड बाई द वेरी क्विकली तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साउंड इज प्रोड्यूस जिलस्टिस्स एंड हीटेड वेरी क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर्टी एट विच ऑफ़ द फॉलोइंग एनिमल हैज कम एक्सटिंग फ्रॉम द अर्थ इसमें कौन एनिमल एक्सटिंग विलुप्त हो चुका है जो कि अब नहीं, नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स आइए इसको ऑप्शन देखते तो ऑप्शन नंबर वन ब्लैक बाग ऑप्शन नंबर बी ऑलिडली टर्टल ऑप्शन नंबर सी डोडो एंड ऑप्शन नंबर डी लाइन टेल मका तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा डोडो ये भी विलुप्त हो चुका है ये नहीं मिल रहा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फोर्टी नाइन एज ए टीचर ऑफ एन्वायरमेंटल स्टडीज यू हैव शोन द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स टू योर स्टूडेंट विच ऑफ देम प्रोसेस फीदर एंड स्केल तो इसमें से एक टीचर होने के नाते नातेरोमेंटल स्टडीज के टीचर टीचर होने के नाते यू हैव शोन आप दिखाते हैं बच्चों लोग कुछ एनिमल्स का पिक्चर अपने बच्चों को तो से कौन ऐसा एनिमल्स है जिसका फीदर पर और स्केल चोइटा होता है तो फ्रेंड आइए इसको ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर वन टाइगर एंड टोड ऑप्शन नंबर बी टोड एंड आर्थवन ऑप्शन नंबर सी स्नेल एंड स्टारफिश एंड ऑप्शन नंबर डी पीजियन एंड शार्क तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा पीजियन एंड शार्क नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्लाट्स आर सोर्स ऑफ मेटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स इसमें से कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि कपड़ा का मटेरियल्स बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर वन चेतिंग एंड बानियान ऑप्शन नंबर बी बेल एंड मैंगो ऑप्शन नंबर सी हेम्प एंड जूट एंड ऑप्शन नंबर सी चेतम एंड मैंगो तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा हेम्प एंड जूट से कपड़ा बनाया जाता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पीछे है इसको ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन डॉट डी ओ टी डॉट इज अप्लाइड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डॉट किस बीमारी में ये ट्रीटमेंट इलाज किया जाता है तो फ्रेंड इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन कोलेरा ऑप्शन नंबर बी टाइफ ऑप्शन नंबर सी ट्यूबिस या टीबी, ऑप्शन नंबर सी डी सॉरी डी हेपेटाइटिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वास आजाद हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे तो फ्रेंड इसको ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन भीमराव राम जी अम्बेडकर ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर डी मोहनदास करमचंद गांधी तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद इन्हीं की याद में एवरी ईयर हम लोग ग्यारह नवंबर को एजुकेशन डे मनाते हैं सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द्रीज और मैंग्रोव इन नेचर इसमें से कौन सा ट्री बाई मैंग्रोव मैंग्रोव के नाते हैं बाई ने तरफ से ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन बान्यान झारुल साल ऑप्शन नंबर बी साल टी के नोक ऑप्शन नंबर सी बायान गंबर डी मैंगो पपाया एंड साल तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साल्टी एंड ओक नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर विच ऑफ वाइल्ड एनिमल इसमें से कौन वाइल्ड एनिमल्स है ऑप्शन नंबर वन शिप एंड हॉर्स ऑप्शन नंबर बी हॉर्स एंड गॉड ऑप्शन नंबर सी टाइगर एंड स्नेक ऑप्शन नंबर डी गोट एंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टाइगर एंड स्नेक जंगली जानवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द रिवर कनेक्टेड विद द वेटलैंड ऑफ ईस्ट कोलकाता ईस्ट कोलकाता वेटलैंड जो है वो किस से कनेक्टेड है ऑप्शन नंबर वन दामोदर ऑप्शन नंबर टू मायरुखी ऑप्शन नंबर सी तेस्ता एंड ऑप्शन नंबर डी भदयाधारी तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भदयाधारी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स गैसुअस ऑक्साइड्स ऑफ व्हिच नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन स्मोक यानी कौन कौन सा गैसुअस नॉन मेटालिक गैसुअस ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है धुआं में स्मोक्स में ऑप्शन नंबर वन सोडियम पोटासियम आयरन ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्रोजन एंड कार्बन ऑप्शन नंबर सी एल्मोनियम कॉपर एंड आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट एंड इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सल्फर नाइट्रोजन एंड कार्बन सल्फर का फॉर्मूला एसो नाइट्रोजन का एन ये सब हवा को या धुंआ को पैदा करने में हेल्प करता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन विच ऑफ इज करेक्टली मेस्ट इसमें से कौन सा पेयर्स को सही से मैच किया हुआ है तो so फ्रेंड्स इसको ऑप्शन हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर वन झाड़ग्राम विष्णुपुर रिलेटेड टू तो बर्धमान बीरभूम ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कालिम्पोंग रिलेटेड टू तो नॉर्थ चौबीस परगना एंड हावड़ा ऑप्शन नंबर सी बरईपुर रायगंज बिलोंग्स टू साउथ चौबीस परगना एंड उत्तर दिनाजपुर ऑप्शन नंबर डी बालूघाट एंड तमलुक रिलेटेड टू दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी तो फिर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बराईपुर एंड रायगंज रायगंज बिलोंग्स टू उत्तर दिनाजपुर एंड बराईपुर रिलेटेड रेले, टू साउथ चौबीस परगना तो so, फिर सब डिस्ट्रिक्स और हेडक्वार्टर्स को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा उससे क्वेश्चंस बनता ही बनता है

हेमरस इज एक्स इज एक्सटेंडेड फ्रॉम द शोल्डर टू एल्बो हेलमस क्या शोल्डर से एल्बो तक आता है एंड फ्यूमर फ्रॉम द हिप टू नी और फीमर कमर से लेके हड हिप तक आता है घुटना तक आता है ऑप्शन नंबर सी उल्ला एंड रेडियस और एक्सटेंडेड फ्रॉम द लावर पोर्सन ऑफ द नी एंकल उलना और रेडियस क्या नी के एंकल से आता है नी और एंकल से कनेक्टेड है एंड ऑप्शन नंबर डी फ्यूमर इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द नी एंड एंकल और फीमर इज एक्सटेंड होता है क्या के लोअर पार्ट्स और एंकल से तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ह्यूमरस इज एक्सटेंडेड फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो एंड फीमर फ्रॉम द हिप टू नी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड सॉरी नंबर वन विद डेट कॉलम टू कॉलम वन पुरुलिया हावड़ा एंड बिहार कॉलम टू सांतरा झील साहेबबंद एंड रासिक भेल तो फिर इसका कौन सा डिस्ट्रिक्स कौन सी जगह से कनेक्टेड है तो फिर ऑप्शन नंबर वन है वन टू सी पुरुलिया रासिक भेल हावड़ा साहेबबंद, कोच कोचबिहार संतराघाची झील ऑप्शन नंबर बी पुरुलिया संतराघाची झील हावड़ा रसिकभल कोचबिहार बिहार साहेबबंद ऑप्शन नंबर सी पुरुलिया, साहेबबंद हावड़ा संतरागाछी कोचबिहार रासिक वेल एंड ऑप्शन नंबर डी पुरुलियांछी हावड़ा साहेब ऑप्शन एंड सी कोचबिहार रासिक वेल तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुरुलिया साहेबंद हावड़ा संतरागाछी झील एंड कोच बिहार राशिद बेल ओके फ्रेंड्स तो ये था थर्टी क्वेश्चन डब्ल्यू बी प्राइमरी डेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आप लोग आप लोग इसको देखिएगा और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को नोट्स बनाइएगा तो so फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए थैंक यू फ्रेंड्स थैंक